नवरात्रि के फास्ट में लगता है कुछ नया, कुछ अलग सा कुछ बना ले जो आसान भी हो, स्वादिष्ट भी लगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत वाली दावेली। तो आप सोच रहे होंगे कि दावेली तो व्रत में खाई नहीं जाती है, इसीलिए मैं बना रही हूँ व्रत वाली दावेली जो हर कोई खा सकता है, बना सकता है बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही जरा से तेल में इस फलाहारी रेसिपी को कभी भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही स्पेशल व्रत वाली दावेली। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बना लेते हैं झटपट से फराली आटा, यानी उपवास वाला आटा। इससे पहले भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको इंस्टेंट व्रत वाला मिक्स बताया था, उससे आप 10 तरीके की व्रत की आसान झटपट रेसिपी बना सकते हैं। तो फराली आटा बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप समा का चावल। समा का चावल यानी व्रत वाला चावल, जो ऐसा मोतियों जैसे दाने दाने जैसा होता है ना, आजकल तो मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा, व्रत चल रहे हैं। इसे सामक, वरई, भागर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये है व्रत का चावल और ये मैंने लिया है 1/4 कप साबूदाना। साबूदाना भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, ये बिल्कुल रॉ मैंने कच्चा लिया है साबूदाना, बस पोंछ लें उस तरह से आप ले लें। अब आप ले एक ग्राइंडिंग जार और इसमें हम डालेंगे 1 कप समा का चावल और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप, मान के चलिए 3 बड़े चम्मच के करीब साबूदाना। अब हम इसे अच्छे से पीस कर इसका आटा यानी पाउडर बना लेंगे। और ये लीजिए, मैंने अच्छी तरीके से व्रत वाले आटे को पीस लिया है, परफेक्ट। इस तरह से बना करके इस इंस्टेंट मिक्स को स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम फराली आटे में डालेंगे 3/4 कप दही, फ्रेश दही है, घर का जमा हुआ ले लें। 3/4 कप यानी 1 कप से थोड़ा सा कम। ये मैंने लिया है 1/2 कप पानी। तो जिस कप से आपने चावल लिए हैं उसी हिसाब से 3/4 कप आप ले लें दही और 1/2 कप पानी, एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका बिल्कुल जैसे इडली बैटर होता है ना, बिल्कुल वैसा हम गाढ़ी कंसिस्टेंसी का इसका बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए काफी गाढ़ा सा लग रहा है, तो बचा हुआ पानी भी डाल देती हूँ, यानी पूरा 1/2 कप पानी लग गया है। मैंने सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये कुछ इस प्रकार की कंसिस्टेंसी का है। ये देखिए, ना तो बहुत ज्यादा फ्लोइंग है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी का। और अब हम इसको लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जैसे जो भी चीज हमने इसमें डाली है वो बढ़िया से फूल जाए। जब तक हमारा मिक्स सेट हो रहा है, फटाफट बनाते हैं दाबेली वाला बढ़िया सा आलू मसाला। फटाफट से रखते हैं गैस पर एक पैन और पैन में डालेंगे हम थोड़ा सा लगभग 2 बड़े चम्मच ऑयल। आप अगर घी यूज करते हैं व्रत में तो घी यूज करें। घी या ऑयल के गर्म होते ही 1/2 छोटी चम्मच डालें जीरा, 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। सभी चीजों को अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर भून लेंगे। 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर यानी पेपर पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े साइज के आलू जिनको मैंने मैश कर लिया है। बहुत ज्यादा बारीक ना करें मैश, मोटा मोटा सा उसको मैश कर लें। और लो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से आलू को बिल्कुल बढ़िया से भूनेंगे। अगर आप इनमें से कोई और मसाला भी खाते हैं व्रत में तो यहाँ वो डाल सकते हैं, या जो चीजें मैंने डाली है इनमें से कोई भी ऐसी चीज जो आप फास्ट में नहीं खाते उसे ना डालें। हमारा आलू मसाला बिल्कुल बढ़िया से भुन रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया है। बस इस स्टेज पर 1 मिनट बाद जब ये भुन जाए तब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच चीनी, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चीनी नहीं लाइक करते तो ना डालें, दावेली के मसाले में मीठी चटनी पड़ती है। अगर आप मीठी चटनी वगैरह फास्ट में नहीं खाते तो इस प्रकार से आप थोड़ी सी चीनी डालें। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक यानी व्रत वाला नमक। जो हमने इसमें चीनी वगैरह डाली है उसकी वजह से जो फ्लेवर आएगा इस मसाले में बहुत ही बढ़िया लगेगा। 2 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद आप डालें इसमें 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। चम्मच डाल रही हूँ फ्रेश नारियल जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास घर में था तो मैं डाल रही हूँ। फाइनली इसमें जाएगी दावेली की जान हमारी मूंगफली। तो मैंने मूंगफली को हल्का सा रोस्ट कर लिया और रोस्टेड मूंगफली को छिलका हटा करके इस प्रकार तैयार कर लिया है। इस स्टेज पर गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच अनार, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। और सभी फल व्रत में खाए जाते हैं और दावेली भी तो अनार के बगैर अधूरा है। और साथ ही इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 बड़ा चम्मच। तो मसाले को मैं निकालती हूँ एक बोल में। नेक्स्ट स्टेप में आप रखिए गैस पर एक कढ़ाई या कोई भगोना और उसमें डालिए आप 2 गिलास पानी और हाई फ्लेम पर पानी को अच्छे से उबलने देंगे और इसमें बीच में रख देंगे इस तरह का स्टैंड, सभी के घर में होता है। अगर ऐसा स्टैंड ना हो तो आप एक कटोरी को उल्टा करके रख दें और पानी को बढ़िया से गर्म होने दें। अब नेक्स्ट स्टेप में व्रत वाली दावेली के लिए आप लीजिए इस तरीके का कोई भी केक टिन है तो केक टिन ले लीजिए, स्टील का इस तरीके का बोल है तो वो ले लीजिए, आप इवन स्टील की थाली भी ले सकते हैं। मैं ले लेती
लेती हूँ। टेंथ मैं डालती हूँ इसमें कुछ बूंद ऑयल की, इसको अच्छी तरीके से चिकना कर लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं तो चलिए अपने मिक्स को भी चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी, एक चम्मच और पानी डाल करके उसकी कंसिस्टेंसी को परफेक्ट कर लें। बहुत ज़्यादा ना पतला करें और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल इडली बैटर जैसा। इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक, व्रत वाला नमक, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच ऑयल। तो यदि आप नहीं डालना चाहते तो इसके बगैर भी तैयार किया जा सकता है। और फाइनली मैं बैटर में डाल रही हूँ 1 पाउच इनो फ्रूट सॉल्ट। चाहे तो आप ब्लू वाला जो रेगुलर आता है वो डाल लें, या इस तरह लेमन वाला कोई भी ले सकते हैं। अगर आप इनो फ्रूट सॉल्ट नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, यदि खाना सोडा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डालकर इसे कर देंगे एक्टिवेट। परफेक्ट, ये देखिए बबल्स आ रहे हैं ना। और हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे, बहुत तेजी से नहीं फेटेंगे। और इनो वगैरह डालने के बाद बैटर को हम बिल्कुल रखेंगे नहीं, तुरंत से हम अपना सॉफ्ट दाबेली तैयार करेंगे। अब आप लीजिए ग्रीस्ड टिन जो हमने अभी तैयार किया था, और उसमें हम सारे बैटर को डाल देंगे। कढ़ाई को भी चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल बढ़िया उबल गया है। धीरे से हम टिन को इस स्टैंड के ऊपर रख देंगे इस प्रकार से, और ध्यान रखेंगे कि पानी इसके अंदर ना जाए। इसी तरह से आप कटोरी या स्टैंड फिट करें और लिड लगाकर लगभग 10 से 12 मिनट के लिए इसमें बढ़िया से हम स्टीम लेंगे, यानी बढ़िया से इसको पकने देंगे। फ्लेम को शुरुआत के 4 मिनट आप हाई रखें और उसके बाद फ्लेम को लो कर दें। 10 मिनट हो चुके हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं। वाओ परफेक्ट, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा सॉफ्ट दावेली के लिए आउटर कवरिंग तैयार हुई है। ये देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर एकदम परफेक्ट फूल गया है। गैस को ऑफ कर देते हैं, इसी तरह इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, और हल्का सा जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम अपने टिन को निकालेंगे। और ये देखिए बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट हमारा ये तैयार हुआ है। जब आप इससे दावेली बनाएंगे तो खाते रह जाएंगे। अब आप एक नाइफ की मदद से इसके किनारों को अलग कर लें, और ये लीजिए मैंने इसको टिन से निकाल लिया है। एकदम स्पंजी और सॉफ्ट, आप इसकी जाली भी देख सकते हैं, ये इतना बढ़िया बनता है। और इस तरह से निकालने के बाद इसमें हम इस तरह से लगाएंगे कट। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा किसी भी तरह से इसको कट कर सकते हैं। बीच में से भी मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ बिल्कुल इस तरह। तो ये हमारी तैयार हो जाएंगी दावेली की कवरिंग। और ये देखिए मैं एक उठाकर आपको दिखाती हूँ, देखिए इसकी जाली एकदम परफेक्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी, बहुत ही मॉइस्ट, सुपर टेस्टी। तो आप लें अब एक पीस, और ये रहा हमारा दावेली वाला बहुत ही स्वादिष्ट मसाला, और साथ ही व्रत वाली हरे धनिये की चटनी। 4 तरीके की चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब हम एक पीस लेंगे और बीच में से यहाँ से जोड़ा रहने देंगे, सिर्फ बीच में से हम इस प्रकार से कट लगाएंगे हल्का सा, जैसे आप बिल्कुल पाव में करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चटनी। चटनी लगाने के बाद हम लेंगे हमारा दावेली आलू मसाला, और इसको भी इसके अंदर अच्छे से हाथ से लगा देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी दावेली लग रही है। अब आप इसके ऊपर से चाहें तो थोड़ी सी चटनी और लगा सकते हैं, और साथ ही आप थोड़े से मूंगफली के दाने भी लगा सकते हैं। जैसे चाहें आप इसको वैसे अरेंज कर सकते हैं, और डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। सुपर डिलीशियस व्रत वाली दावेली है बिल्कुल तैयार। ये इतनी टेस्टी है कि आपकी बाजार वाली दावेली भी आपको कुछ नहीं लगेगी। ये बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है, और खाने में बहुत मजेदार। तो आप इस तरह से सभी दावेली को तैयार करें और जरूर बनाएं व्रत में। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी व्रत वाली दावेली, जो इससे पहले ना आपने कभी बनाई होंगी ना खाई होंगी। तो इस नवरात्रि व्रत में आप इसे जरूर ट्राई करें, और मुझे जरूर फीडबैक में बताएं आपकी व्रत वाली दावेली कैसी बनी और ये आपको कैसी लगी। जो इसके आलू मसाला है उसमें जबरदस्त जो अनार और मूंगफली का टेस्ट आता है वो बहुत ही बढ़िया लगता है, और सभी चीजें हमने वो यूज की है जो आप व्रत में खा सकते हैं। और दावेली को आप मजे से चाहें ऐसे ही खाइए, या आप व्रत वाली हरे धनिये की चटनी, मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे सब कुछ इसी के अंदर है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी और लेने की जरूरत ही नहीं। मजे से बनाइए और चाय के साथ एंजॉय कीजिए व्रत वाली दावेली। व्रत वाली रेसिपीज आप देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलें और पास ही बनी बेल बटन ही साथ ही प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और इसी तरह आप मेरे साथ टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।